सारे लोग हम साथी मिलकर यहाँ जमा हुए हैं और मुजाहरा कर रहे हैं कि जो इन लोगों के साथ हमारे साथी के साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथी है और सदियों से हमारे साथी है साथी, और इनके साथ ज्यादतियाँ इतनी होती है कोई बोलने वाला नहीं है। अभी भी इनके घरों में जाके इनके घरों को आग लगा रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं और जाना पुलिस वाले भी कोई साथ नहीं दे रहे, इसलिए हम यहाँ पर आके मुजाहरा कर रहे हैं। लुकमान और जमील हमारे से दखलदाजी करके बोलता तुम इधर से टपड़ उठाओ, हम 100 साल के वैरासी बैठे हुए हैं, मारू आदमी है, हमारे को धमकी, हमारे घरों पर हमला करके आदमी चोरी घुसा के बैठ के कब्जा ले रहा है, हम कब्जा लेने के लेनी चाहते हैं, हमारे घरों को आग लगा दी, हमारे बछड़े जानवर जला दिए, हम बेबस आदमी है, हमारी अपील है गवर्नमेंट सदौरी को हमारा हक कर जावे, हम 100 साल के बैठे वो कल आए हमारे को क्यों भगाते हैं, क्यों उसका हक है, हमारा हक नहीं है सिंध धरती में, सिंध के रहवासी हम हैं। ही बार बार जो है पूरा कागज ठहराया था अच्छी गैर कानूनी जो हथियार बंद था फायरिंग तो करे टार्चर तो करे अस इंसाफ लाए अपील था क्यों इंसाफ कर 100 सदियों का वेठल आयो ये कोने ते असा एकड़े साल जायो 5 सालन जायो असा के लडाण जो धमकियो पिया देन असा के प्लाट खाली करियो ये प्लाट असा जायन आई असा हुए ने प्लाटन ते 100 सदियों का वेठल आयो आई असा चाहो तो असा जो हक है यो जगह असा जे पेंजे असा जे वडडन की आए असा के वडड़ा व्यारे व्यायन असी मरी विंदासू असा ने जगह के कोन निकरदा इंतजामिया से मुतालबा करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इनकी 100 साल पुरानी ज़मीन को जो है ये लुकमान राजपूत है, जमील राजपूत है और अली माविया है जो इस ज़मीन के ऊपर कब्जा करना चाहता है, इसको उस ज़मीन से बचाया जाए। हम एक और बात भी कहना चाहते हैं कि सिंध की पाकिस्तान को आज़ाद हुए 73 साल हो गए हैं और 73 साल के बाद अभी भी सिंध की ज़मीनों पर क्लेम के नाम पर कब्जा करने की कोशिश जारी है, ये कब तक सिंध की जो है कीमती ज़मीनों के ऊपर आके कब्जा करता रहेंगे। हम ये कहते हैं कि क्लेम लेने का सिलसिला बंद किया जाए और जो FPR और जो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो एहलकार हैं जो इनके साथ झूठे क्लेम इनको बना के दे रहे हैं, हम उनकी भी मजम्मत करते हैं, हम ये कहते हैं कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए और इनके गाँव को जो है बचाया जाए। मर जाएंगे,